नमस्कार जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाली लड़की महिलाओं के बीच अक्सर इस बात को लेकर संदेह रहता है कि शादी से पहले और शादी के बाद उन्हें किस तरफ का आरक्षण प्राप्त होगा। उनके पिता के जाति का आरक्षण मिलता रहेगा या शादी के बाद उन्हें पति के जाति का आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना स्पष्ट फैसला सुना दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी अन्य राज्य की आरक्षित श्रेणी की किसी महिला की शादी यदि झारखंड में हुई है तो उसे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि जिस राज्य में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। पूरे मामले पर एक नजर डालें तो JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2016 में शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया था। इस नियुक्ति के लिए अन्य कैंडिडेट्स की तरह एक महिला रीना कुमारी राणा ने भी आवेदन किया था, लेकिन रीना मूल रूप से झारखंड की निवासी नहीं थी बल्कि रीना बिहार से शादी कर झारखंड आई थी। रीना ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल होने के बाद जो जाति प्रमाण पत्र जमा किया वह उसके पति की जाति का था। रीना अपने पति के जाति के आधार पर आरक्षण की मांग कर रही थी, लेकिन जब रीना ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना प्रमाण पत्र पेश किया तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। इस बारे में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि रीना राणा ने अपने पति के जाति के आधार पर ST जाति का प्रमाण पत्र जमा किया था। JSSC ने यह भी कहा कि उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा और उसकी उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी में होगी। हालांकि JSSC ने उन्हें अपने पिता के नाम के साथ जारी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा था, जिसके बाद रीना ने JSSC के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में रीना कुमारी राणा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि प्रार्थी का जन्म बिहार में हुआ है, इसलिए उसे झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस पर प्रार्थी का कहना था कि उनकी शादी झारखंड के गोड्डा जिले में हुई है, उनके पति झारखंड में आरक्षित श्रेणी लोहरा जाति से आते हैं, इस कारण वह झारखंड में भी आरक्षण की हकदार है। पूर्व के सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रीना राणा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्पष्ट आदेश दिया है कि राज्य सरकार को सिर्फ अपने स्थानीय लोगों को ही आरक्षण देने का अधिकार है। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई महिला बिहार में या किसी दूसरे राज्य के आरक्षित श्रेणी में आती है लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई है तब भी उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि जिस राज्य में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।